हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या विद पायल। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है। एक्चुअली आज का जो सेशन है वो हमारा पोस्ट कार्ड राइटिंग के ऊपर डिपेंड है, जो TGT, PGT और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आजकल। 10th, 12th में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन ये लिखने के लिए भी दिए जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जाने वाला है। इसमें सबसे पहले हम जानें कि पोस्ट कार्ड होता क्या है और हम इसे लिखते ही क्यों हैं। एक्चुअली पोस्ट कार्ड क्या होता है, या एक ब्रीफ मैसेजेस होता है जिसे हम अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने जानने वालों को या फिर जो हमारे कॉन्टेक्ट में हैं हम उसे भेजने के लिए इसे पोस्ट कार्ड को हम लिखते हैं। तो यहाँ कुछ की पॉइंट्स है पोस्ट कार्ड के बारे में। सबसे पहले पोस्ट कार्ड जो हमारा होता है वो ओपन कम्युनिकेशन होता है, उस पर इनवेलप का यूज़ नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे मोस्टली पोस्ट कार्ड जो आता है वो येल्लो कलर में आता है, उसका फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों साइड पे जो फ्रंट साइड होता है उसमें लिखने के लिए स्पेस दिया हुआ रहता है, और बैक साइड में आपका एक स्टैम्प लगाना होता है, देन सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स को देखें। पोस्ट कार्ड पे हमारा की पॉइंट्स है ये एक ओपन कम्युनिकेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया, उस पर इनवेलप का यूज़ नहीं होता है। बट ये लिखा जाता है इन द मैनर ऑफ लेटर्स, जिस तरह हम लेटर लिखते हैं टू द, माय डियर फादर, लास्ट में योर लविंग डॉटर, वो फॉर्मेट सेम ही फॉलो होता है। बट लेटर क्या होता है, वो थोड़ा वास्ट होता है और पोस्ट कार्ड ब्रीफ होता है। डिफरेंस बस इतना ही है। और जो इसका बैक साइड होता है उसमें फीलिंग, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, ये सब का यूज़ होता है। बट लेटर में भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें एक फॉर्मेट होता है, भरने का स्पेस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर सेंडिंग अ ब्रीफ मैसेजेस, जैसा कि मैंने बताया कि इसका यूज़ ब्रीफ मैसेजेस को सेंड करने के लिए ही होता है। देन हेडिंग, सब्सक्रिप्शन एंड द सेंडर्स एड्रेस, हेडिंग, सब्सक्रिप्शन और सेंडर्स एड्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट कार्ड में। ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और एक बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो पोस्ट कार्ड लिख रहा है उसका एड्रेस हमें डिटेल में नहीं देना है। जस्ट रिमेंबर, अगेन रिवाइज, पोस्ट कार्ड जो लिख रहा है उसका एड्रेस हमें डिटेल में नहीं देना होता है। बट जिसे हम लिख रहे हैं पोस्ट कार्ड में उसे हम एड्रेस ही बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये एक नया टर्म है इंग्लिश में, एड्रेसी। व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ एड्रेसी? ADDRESSE। जिसे हम पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं उसे हम एड्रेसी वर्ड से टैग करते हैं। ओके, तो एड्रेसी का एकदम फुल एड्रेस देना बहुत ही ज़रूरी है विथ पिन नंबर, नहीं तो वो करेक्ट एड्रेस में पहुँचेगा कैसे। इसलिए ये सारे की पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए सबसे पहले हम एक फॉर्मेट देखें, एक एग्जांपल देखें। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन है हमारा, यू आर अंकित अंकिता, आप अंकित या अंकिता हैं। यू हैव गॉन टू कोलकाता विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ जा रहे हैं, कोलकाता। यू डिसाइडेड टू पोस्ट कार्ड टू राइट अ पोस्ट कार्ड, आपने क्या डिसाइड किया, एक पोस्ट कार्ड लिखना टू योर पेरेंट्स, किसे, अपने पेरेंट्स को जो कहाँ रहते हैं, इन रांची। आप रांची के रहने वाले हैं, आप जा रहे हैं कहाँ विजिट करने, कोलकाता, किसके साथ, विथ योर फ्रेंड्स। तो आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए एक पोस्ट कार्ड लिखना है। राइट द पोस्ट कार्ड इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, हमारा वर्ड लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस, इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था नोटिस के ऊपर, उसमें भी वर्ड लिमिट्स दिया हुआ रहता है। यस, इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें वर्ड लिमिट को ध्यान रखना होगा, बिकॉज हम बढ़ाते चले जाए उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उस पर और गलती होगा। इसलिए वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान दीजिए कि 50 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है हमें पोस्ट कार्ड। देन चलिए चलते हैं हाउ टू राइट अ पोस्ट कार्ड। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि पोस्ट कार्ड जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ एक हेडिंग देते हैं ऊपर में, पोस्ट कार्ड। ओके, और जो डेट
और प्लेस होता है. एक्चुअली कोलकाता हमारा प्लेस है और ये हमारा डेट है. हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? कोलकाता. तो यहाँ हमने लिखा है कोलकाता और यहाँ जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन का डेट यहाँ डाले हैं इन दिस फॉर्मेट. तो डेट और प्लेस हमेशा एक ही लाइन पे लिखना है. डेट एंड प्लेस रिटन इन द सेम लाइन. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, एक लाइन यहाँ लीप करना है, एक लाइन यहाँ छोड़ देना है. देन हमारा सैल्यूटेशन देना है. अब सैल्यूटेशन क्या हुआ? क्वेश्चन हमेशा टीजीटी पीजीटी में ऐसे ही पूछा जाता है. मान लीजिए आपका लिख देगा कि डियर मॉम एंड डैड, किसके अंदर आएगा? ऑप्शन में होगा आपका सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, और भी दो ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर बॉडी ऑफ द पोस्ट कार्ड देन प्लेस. तो वहाँ कन्फ्यूज़न हमारा सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन में ही आएगा कि सैल्यूटेशन क्या होता है और सब्सक्रिप्शन क्या होता है. एक्चुअली सैल्यूटेशन हमारा होता है कि जिन्हें हम वो पोस्टकार्ड लिख रहे हैं. जस्ट रिमेंबर गाइस, जिसे हम पोस्टकार्ड लिखते हैं वो हमारा सैल्यूटेशन कहलाता है. और नीचे जब हम पोस्टकार्ड एंड करते हैं और लिखते हैं योर लविंग डॉटर, योर लविंग सन, तो वो हमारा कहलाता है सब्सक्रिप्शन. वो हम, ये तो हमारा पोस्टकार्ड का फ्रंट साइड हुआ. पोस्टकार्ड के बैक साइड पे हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं. वहाँ हम हेडिंग डालते हैं, लास्ट में लिखते हैं ना, योर, लेटर में भी लिखते हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों में लिखते हैं कि योर लविंग डॉटर, योर लविंग सन. तो वहाँ हमारा वो चीज़ हमारा सब्सक्रिप्शन कहलाता है. टीजीटी बीजीटी में क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लेस और डेट हमेशा एक ही लाइन पे लिखा हुआ रहता है. देन हम लेटर किसे लिख रहे थे? हमारे पेरेंट्स को. तो यहाँ लिखेंगे डियर मॉम एंड डैड, फिर एक लाइन लीप करना है, देन हमें स्टार्ट करना है. यहाँ मैंने क्या लिखा? यहाँ आप जो बॉडी ऑफ द पोस्ट कार्ड है कुछ और भी दे सकते हैं. यहाँ मैंने अपने हिसाब से लिखा है इन ब्रीफ. मैंने बताया था कि 50 वर्ड्स हमारा लिमिट है, उसी के अंदर ही हमें लिखना है. मैंने लिखा वी हैव रिच्ड कोलकाता टुडे. मैंने, हम लोगों ने आज 4th अगस्त 2023 को कोलकाता पहुंचा. द वेदर ऑफ कोलकाता इज़ वेरी नाइस एंड प्लीजेंट. जो वेदर है कोलकाता का वो बहुत ही नाइस और प्लीजेंट है. टुडे वी हैड सी. अब कोलकाता के एक दो प्लेस को भी मेंशन करना होगा, तब तो समझ में आएगा कि कोलकाता में पहुंच के हमने देखा क्या 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 देखा. विक्टोरिया मेमोरियल, साइंस सिटी, निक्को पार्क, ऑल्सो विद द ब्यूटी ऑफ नेचर. बिकॉज वेदर अच्छा था तो ब्यूटी ऑफ नेचर और भी अट्रैक्टिव होगा, इसलिए हमने यहाँ दो तीन जगह मेंशन किया है. देन टुमारो वी विल गो टू द जू साइट. कल हम लोग कहाँ घूमने वाले हैं? जो जू है उस साइट पे घूमने वाला है. फिर यहाँ वन लाइन लीव, यहाँ एक लाइन छोड़ना है. लाइन कहाँ कहाँ छोड़ना है वो भी इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज कुछ कुछ ऐसे टर्म होते हैं, लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पोस्ट कार्ड, ईमेल, वो सब में कहाँ गैप छोड़ना. अगर आप ऐसे की तरह यहाँ लिख दे तो अच्छा नहीं दिखेगा. दिस इज़ नॉट द करेक्ट फॉर्मेट. जो करेक्ट फॉर्मेट है उसके हिसाब से चलने से मार्क्स भी अच्छे आते हैं और लुक वाइज भी अच्छा लगता है. तो यहाँ एक लाइन छोड़ना है, वी विल बी बैक इन 4 days. हम लोग 4 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे. ये तो हुआ हमारा पोस्ट कार्ड का फ्रंट साइड. अब बैक साइड पे चलते हैं कि कहाँ हमारा स्टैम्प लगता है, कहाँ हम सब्सक्रिप्शन देते हैं, कहाँ एड्रेसी का एड्रेस लिखते हैं. वहाँ एड्रेसी का एड्रेस बहुत ज़रूरी है. एक साइड पे हमारा होता है एड्रेसी का एड्रेस, एक साइड पे हमारा होता है सेंडर्स एड्रेस. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो चलिए चलते हैं बैक साइड में. देन हम देखते हैं पोस्ट कार्ड के बैक साइड को. पोस्ट कार्ड का जो हमारा बैक साइड होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है. इस पे हम, इस जगह पे, यहाँ पे हमारा स्टैम्प लगता है. ठीक, स्टैम्प के लिए प्लेस दिया हुआ रहता है पहले से. देन जब हम वहाँ पे देखे थे फ्रंट साइड में पोस्ट कार्ड लिखना, हमारा बॉडी जो था पोस्ट कार्ड का वो एंड हो गया था. तो यहाँ हम इस तरह कुछ दे सकते हैं, गिव रिगार्ड्स टू ऑल माई फैमिली. ठीक है, यहाँ पे योर लविंग सन या डॉटर अंकित, अंकिता. अगर लड़का होगा तो अंकित लिखेगा, देन लड़की होगी तो अंकिता लिखेगा. प्लेस आप कहाँ से लिख रहे हैं? कोलकाता से. फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि सेंडर्स एड्रेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज आप कहीं से भी तो पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं ना, वहाँ का एड्रेस इम्पॉर्टेंट नहीं होता.
आप जिसे भेज रहे हैं उसका एड्रेस देखिए, कुछ इस तरह का होता है, फुल एड्रेस, मिस्टर अरविंद प्रसाद नेम, देन होल्डिंग नंबर 82/5 बी ब्लॉक कल्याण नगर हिनू रांची, देन पिन कोड आल्सो इंक्लूडेड। पिन कोड नहीं इंक्लूड होगा तो वो दूसरे एड्रेस पे पहुंच जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो कुछ इस तरह का हमारा जो होता है वो पोस्ट कार्ड होता है, और ये जो चीज़ है वो हमारा सब्सक्रिप्शन कहलाता है। कन्फ्यूज़न इसी में होता है, सब्सक्रिप्शन नीचे वाला होता है और सैल्यूटेशन ऊपर वाला होता है। डियर मॉम एंड डैड, माई डियर फ्रेंड, डियर अंकल, उस चीज़ को हम सैल्यूटेशन बोलते हैं और इसे हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। बाकी सारे टर्म्स तो बहुत ही इजी है, वो प्लेस डेट बॉडी ऑफ द लेटर वो सब देखने से ही पता चल जाते हैं। तो होप मैंने जो ये पोस्ट कार्ड लिखना सिखाया क्लियर हुए होंगे, कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या डालना है। तब तक के लिए बाय, एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।